हुनरमंद तीरंदाज ढाबे पर सेक रहा है रोटियां। हमारे देश में कई होनहार प्रतिभाएं गरीबी के चलते पिछड़ जाती हैं। इसका एक उदाहरण बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र का निवासी फतेह सिंह रावत है। फतेह सिंह एक होनहार तीरंदाज है। इन्होंने कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और कई अवार्ड भी जीते हैं, परंतु गरीबी के चलते मजबूर होकर इन्हें एक ढाबे पर रोटियां सेकनी पड़ रही है। इसे हम भारत की बदनसीबी कह सकते हैं कि यहाँ होनहार प्रतिभाएं गरीबी के चलते पीछे रह जाती है। आइए जानते हैं फतेह सिंह की कहानी। कोई किसी स्वयंसेवी संस्था ने भी आपके हुनरमंद लड़के की तरफ झांक के नहीं देखा? जी सर, कोई अभी तक हमारे बच्चे से किसी स्वयंसेवी संस्था या और किसी ने कोई भामाशाह वगैरह किसी ने कोई संपर्क हमारे से नहीं किया है। जी सर, अभी वो फिलहाल MP मध्य प्रदेश में नया गांव नीमच से 15 किलोमीटर दूर हाईवे रोड पे ढाबे पे अभी मजदूरी कर रहा है, रोटी सब्जियां बनाता है। और उसको कितना महीना वेतन दिया जा रहा है? जी सर, उसको 6000 रुपये मंथली मिलता है। कोई राजनीति पार्टी स्वयंसेवी संस्था और शासन प्रशासन आपके बच्चों को वो प्रोत्साहित करे तो आपको कैसा लगेगा? जी सर, मेरे को मैं बहुत खुश होऊंगा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में ईदगाह मोड़ स्थित दिया कंपटीशन क्लासेज में मोटिवेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा निशुल्क क्लासेज में भाग लेने वाले युवाओं को मोटिवेट किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। बताएं, कोई है ऐसा व्यक्ति? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हुआ। थोड़ा सा समय दो और निश्चित रूप से आपको ये 40 मिनट जो हम बात करेंगे आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएंगे, मेरा दावा है। और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे इनको शिक्षा दे पाऊँ और बहुत आगे जो इनका लक्ष्य है वो लक्ष्य पाने के लिए मैं जी जान से विद्यार्थियों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर उपखंड में अवैध रूप से खुलेआम बिक रहा है पेट्रोल। यहाँ अवैध बैरल पॉइंटों पर अधिक दामों पर पेट्रोल बेचा जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से मौन है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। इसी प्रकार देश विदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए K2S न्यूज। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।